हाँ दोस्तों, आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ वेदांता लिमिटेड। इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ है, इसके लिए इसको लेके आया हूँ। और इसमें एक रिसेंट बहुत अच्छी न्यूज आई है, और वेदांता एक बहुत अच्छी कंपनी है। इसने रिसेंटली अभी बहुत अच्छी कंपनी को भी खरीदा, इलेक्ट्रो स्टील को भी बाई किया है इसने। तो इसके चलते इसका बिजनेस पोर्टफोलियो अच्छा हो गया है, और ये आगे जा करके आपको बहुत अच्छी कंपनी है। बाइंग सेंटीमीटर 86% के साथ बाइंग है। अगर आप देखें तो ये 355 का कभी हाई हुआ करता था ये, और अभी 190 के आसपास आपको मिल रहा है। ये जब उस कंपनी को खरीदी थी उस समय इसका थोड़ा सा, ये मिनरल से बिलोंग, माइनिंग एंड मिनरल कंपनी से बिलोंग करती है ये। अभी क्या चल रहा है तो आप जो देखेंगे, 14 तारीख की जो क्लोजिंग हुई थी, आप 14 तारीख को देखिए, यहाँ पे दिसंबर 14 को, तो 201.60 रुपये का क्लोजिंग हुआ था। आप देखिए, हाई तो 203 का बनाया, 198 का उसका लो था, बट हाई की ओर ही क्लोजिंग दे रहा है। वो एक पॉजिटिव ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म में तो अच्छा है ही, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। आप डिविडेंड देखेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे, इतना परसेंट तो आप रिटर्न नहीं कहीं मिलता आपको जहां इतना डिविडेंड मिलता है। तो चलिए और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं, क्या है ये वेदांता। तो वेदांता क्या है? तो वेदांता इज प्रिंसिपली एंगेज इन एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर, कॉमर्शियल पाउडर एंड ऑयल एंड गैस। इतनी चीजों में बिजनेस करती है वेदांता, एल्युमिनियम में, आयरन में, ओर में, कॉपर में, कॉमर्शियल पाउडर में, ऑयल में एंड गैस में। अच्छी कंपनी, और आपको सिर्फ 200 रुपये में मिल रही है। चलिए, आप नॉर्मली अगर आपको कहीं बैंक इंटरेस्ट देती है या FD देती है तो कितना देती है? 8% देती है। और अगर आप नॉर्मल बैंक में रखते हैं तो 3% मिलता है। अगर कोई आप बॉन्ड खरीदते हैं तो 8.5% मिलता है। ये देखिए, आपको 10.52 का तो ये डिविडेंड रिटर्न दे रही है आपको। तो आप सब छोड़ के भी इसमें रख देते हो तो आपको तो डिविडेंड ही मिल जाएगा 10.5%। कुछ नहीं हो, शेयर की वैल्यू और जाने दीजिए, वो डबल हो या ट्रिपल हो, तो आपको यहाँ से एक रिटर्न स्मार्ट डिविडेंड परसेंटेज 10.5% है। सेल्स ग्रोथ देखिए इसका 7% 3 ईयर से कंटिन्यू, फेस वैल्यू 1 रुपये का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 22%। और ये मिल कितना सस्ते में रहा आपको, प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ 1.10। अब डेब्ट देखिए 58,000 करोड़। क्यों डेब्ट इतना है? क्योंकि अभी इसने रिसेंटली बहुत सारी कंपनी को बाई किया है, तो उसके लिए इसके पास डेब्ट है। कोई बात नहीं, डेब्ट ज़्यादा है तो इसके पास है क्या इसको सपोर्ट करने के लिए? तो देखिए, इसके पास रिजर्व देखिए 67,000 करोड़ का तो रिजर्व है। तो ऐसी कोई कंपनी खराब नहीं है, अगर ये अगर डेब्ट ज्यादा है तो कोई खराब नहीं है। तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, चलिए डेब्ट भी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 21,945 करोड़ का, EPS देखिए 29, कैश बैलेंस देखिए 5,216 करोड़। तो ऐसी कंपनी खोजने से भी नहीं मिलती है। मार्केट कैपिटल है 75,000 करोड़, सिर्फ आपको 201 रुपये में मिल रही है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो आप शायद शेयर मार्केट में काम ही नहीं करते, या आपको मालूम ही नहीं है, शायद मुझे अपना ऐसा फील है। अगर आप ये शेयर के पोर्टफोलियो में, आपके अगर ये शेयर पोर्टफोलियो में नहीं है जो आपको कुछ नहीं करता है, साल भर में 10% रिटर्न देता है, आपको कुछ भी मेहनत करना, आप उसे भी नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। इस पोर्टफोलियो क्यों अभी रिसेंटली ये न्यूज में आया, अभी रिसेंटली इसने न्यूज में आया, क्यों आया? तो देखेंगे इसमें, वेदांता वेलकम्स NGT ऑर्डर टू रिव्यू तमिलनाडु प्लांट, सेज वर्कर्स टू गेट बैक लाइवलीहुड। इसमें सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु ने इसको वापस वर्क करने के लिए परमिशन दिया, विच कुछ कंडीशन के साथ। क्या था? माइनिंग कंपनी वेदांता सैटरडे वेलकम द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर टू रिज्यूम ऑपरेशन एट द कंपनी फैसिलिटी इन थूटकुंडू इन तमिलनाडु एंड सेड दोज अफेक्टेड बाय द प्लांट्स क्लोजर विल गेट बैक देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो यहाँ पे आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वापस वेदांता को बोला, काम चालू कर दो आप अपना। उसके साथ उन्होंने कुछ कंडीशन रखे हैं, उनको कितना पेबैक देना है, क्या देना है, 7 साल में क्या देना है, तो बात नहीं, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। जितना इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी जो माइनिंग कंपनी बंद थी उसके बाद का इसका रिटर्न था, वो अब चालू होने वाला है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको ऑर्डर खुद सामने से बुला करके इसको ऑर्डर पास किया है, सामने से मतलब ऑर्डर पास किया। तो जहां इसका प्रॉफिट लॉस इसके विदाउट आप देख रहे हैं कि 21,000 करोड़ पहुंच चुका है, अभी टिल डेट में देखिए लास्ट ईयर 20,000 था, अभी तक पहुंच चुका है ये 21,000 करोड़। क्वार्टरली प्रॉफिट देखिए तो आप इसको अगर 15,6,200 का होता तो क्वार्टरली प्रॉफिट इसका 5,200 करोड़ का ऑलरेडी सेप्टेम्बर का है। रिटर्न देखिए 23% और 27%। एक अच्छी कंपनी है। और अगर हम इसको वेटेड एवरेज देखें, वॉल्यूम वेटेड एवरेज देखें, जो लास्ट क्लोजिंग हुआ है तो वो भी 201.46 रुपये पे वॉल्यूम बोलता है, और उसको अपर साइड जाके क्रॉस किया है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। वॉल्यूम देखिए इसका, अगर इसका वॉल्यूम देखेंगे आप तो 76,37,495,
तो वॉल्यूम में भी इंक्रीज आया है इसका, तो वॉल्यूम भी अच्छा है, वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रहा है, सेंटीमेंट प्लस है। आप देखेंगे इसको 10% का डिविडेंड है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.94 है सिर्फ, पी मार्केट का 7.9 है, डिविडेंड परसेंटेज देखिए तो सॉलिड है, 10.54% है, यहाँ 2120 बता रहा है। डिलीवरी देखिए 24% 28%। तो ऐसे शेयर में आपका इन्वेस्टमेंट होना ही होना चाहिए, अच्छा है, आपको भी करना चाहिए। और जो उसका न्यूज आया है उससे आपको एक और फायदा आपको देखने को मिल सकता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पैटर्न देखना चाहें तो आप देखिए सितंबर में इन्होंने बढ़ाया है, यहाँ से जो बता रहा था जून में कम हो रहा था, यहाँ 85-86 से जून में कम हुआ था, मार्च में इन्होंने सितंबर 17 में कम हुआ, यहाँ पे बढ़ाया और वापस ये अभी बढ़ा, सितंबर में वापस इन्होंने अपनी पोजीशन को बढ़ाई, प्रमोटर अपने स्टेक को बढ़ा रहा है। और जहाँ तक प्लेस की बात है तो आप देखेंगे अब यहाँ पे देखेंगे कोई भी शेयर प्लेस नहीं रखा हुआ है, और 38 म्यूचुअल फंड ने इसमें पोजिशन बनाया हुआ है, FI 16%, 17% से तो FI बैठा हुआ है इसमें, और LIC तो हर जगह रहती ही है, तो LIC ने देखिए 6% की स्टेक होल्डिंग खरीदी हुई है। और दूसरा है ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड, 37% के साथ इसमें बनी हुई है, FI अच्छा से है, प्रोमोटर अपने स्टेक को बढ़ा रहा है, ये माइनिंग की इसकी कमी है, NGT ने इसको माइनिंग कंपनी चालू करने के लिए दिया हुआ है, 355 का कभी ये हाई हुआ करता था, अब 355 का ये कभी हाई हुआ करता था, 10% का आपको ये आप देखेंगे इसके तो 10% का डिविडेंड देता है। तो आपको ऐसी कंपनी में खुद ही आपको जज कर लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है एक्सेप्ट बाई का, इस पे लॉन्ग टर्म के लिए बाई कीजिए, रखिए अपने पोर्टफोलियो में, किसी के सजेशन की जरूरत नहीं है, आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना ही रखना चाहिए। वेदांत एक अच्छी कंपनी है, आयरन और कॉपर से रिलेटेड बहुत बड़ी कंपनी है, और एक्वाजिशन ये करते रहती है, और इसका हर चीज़ अच्छा है, तो इसके लिए कोई हर कोई आपको सजेस्ट करेगा इसको बाय करना चाहिए। ये लेवल छोड़ दीजिए, चार्ट पे क्या लेवल दिखा रहा है क्या लेवल नहीं दिखा रहा है, अब MACD लाइन देख लीजिए, अभी तो सब चीज़ ग्रीन है, अब ये देखिए MACD लाइन पॉजिटिव है, अब स्टॉक ही सारे सही देखिए, ये देखिए कैसे ऊपर की ओर जा रहा है ब्लू लाइन, क्या आपको दिखाएंगे, हर चीज़ ब्लू है, हर चीज़ ग्रीन है। और इसका डेमा देखें तो अभी ये जस्ट आपको जो है 201 रुपये पे क्लोजिंग हुआ, जो कि 21 दिन का डेमा क्लोज हुआ है, तो अब ये नेक्स्ट इसका 207 है, जो नेक्स्ट इसका रेसिस्टेंस है 207 है, उसके बाद 217 है, और उसके बाद 238 है, तो 207 और 217 के लिए आप चाहें तो इसको बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अगर डेरिवेटिव में इसको देखने जाएं, डेरिवेटिव में क्या पोजीशन है, तो ये 1750 का लॉट हुआ करता है, इसका डेरिवेटिव में भी पोजीशन है, ये फ्यूचर का है और 1750 का लॉट है, और आप देखेंगे तो 210 पे ह्यूज बाइंग चालू है, 4,30,000 का एडिशन हुआ, 19,88,000 के साथ सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो 210 पे बाइंग हुआ, 1750 का है लॉट है, 3 रुपये 10 पैसे पे है, और नीचे जो सपोर्ट इसको मिल रहा है आप देखेंगे, आप 200 पे ही इसको सपोर्ट मिलने लगा, 2,34,000 का इस पे 200 पे आ गया, तो 200 के सपोर्ट पे लोग लगता है बाय कर रहे हैं, और इधर लगता है उनको कि 210 एक बार 217 दिखाएगा तो 210 की बाइंग कर रहे हैं। आपको हो सकता है कि इस महीने अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं तो जनवरी में पोजीशन बनाएंगे तो ज़्यादा कंपेरेटिव अच्छा रहेगा, रेदर देन आप अभी दिसंबर में बनाएंगे तो जनवरी के पोजीशन में 210 देखेंगे तो ज़्यादा पोजीशन मतलब बेहतर होगा कम बैक, क्योंकि अभी अभी बहुत दिन दिसंबर में बचा नहीं है, तो अगर कोई पोजीशन बनाते हैं तो आपको 1-2 दिन में एग्जिट करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, बहुत से बहुत 3 दिन होल्ड कीजिए इसको। अब लेते भी हैं तो आप 200-210 का लेते हैं तो आप 2 से 3 दिन होल्ड कीजिए, लॉस हो गेन हो जो भी आप एग्जिट कर दीजिए, अगर डेरिवेटिव में कोई पेपर ट्रेडिंग करनी है तो पोजीशन बनाना है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बनाएंगे। लेकिन मैं ये ट्रेडिंग के लिए नहीं बोल रहा था, मैं इसके लिए नहीं बता रहा था, मैं आपको बोल रहा था लॉन्ग टर्म पोजिशन बाय SIP सिप कर लीजिए इसमें, अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 2-3 कंपनियां हैं जहां कल मैंने आपको दिया था, एक ये है डीमार्ट है, ऐसी कंपनियों में आपको अच्छा अच्छा पोजीशन बना करके सिप कर लेना चाहिए। CDSL कल बताया था, आप कल के वीडियो को देख सकते हैं, डीमार्ट बताया था वो वीडियो देख सकते हैं, बिल्डकॉन देख सकते हैं आप, केनार कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, वेदांता देख सकते हैं, टाटा स्टील देख सकते हैं, यस बैंक देख सकते हैं, ये सब पे आप किसी पे भी आपको जो अच्छा लगे, आपको जो सहूलियत हो, जिस पे आपका रिकमेंडेशन, आपके दोस्तों का रिकमेंडेशन, आपके फाइनेंशियल का रिकमेंडेशन है, आप उसे बाय करें और अपने पोजिशन में बना के जरूर से जरूर रखें। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने टीम लीडर, अपने सीनियर्स, अपने मैनेजर्स से बात करके अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।